गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक और गेम प्ले में। अगर आप सोच रहे हो कि आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, आज इस बस की मदद से मैं ट्रेन का खजाना लूट कर यहाँ से फरार हो जाऊंगा। बस इसको जल्दी से मेरे को ट्रेन के सामने लगाना होगा ताकि वो इससे टकरा कर यहीं पर रुक जाए। देखो गाइस सामने से वो ट्रेन आ रही, मेरे को जल्दी कूदना होगा। बाल बाल बच गया। देखो गाइस वहाँ पर सच में खजाना पड़ा हुआ है, मेरे को उसको गाड़ी में भर कर यहाँ से दूर ले जाना होगा। यार ये खजाना तो काफी सारा है, अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा और हर एक चीज खरीद लूंगा। पर मेरे को गाड़ी की जरूरत है, शायद ये वाली सही रहेगी। अभी ओए ओए मैंने उसको ठोक दिया। चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं और इस खजाने को लेकर फुर हो जाते हैं। ओके तो गाइस आप देख सकते हो मैंने खजाने को पिकअप में भर लिया, बस अब यहाँ से निकलना है। चल 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 जल्दी कर। अभी ये सामने क्या है, अचानक ट्रेन को क्या हुआ, इसका इंजन कैसे बदल गया, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। अचानक से ऐसा क्या हो गया जो ये ट्रेन भूतिया ट्रेन में बदल गई। शायद वो ट्रेन मरकर एक आत्मा में बदल गई। अच्छा होगा मैं भागकर यहाँ से दूर चला जाऊं। पर गाइस सामने तो वो भूतिया ट्रेन वापस आ गई। नहीं 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 नहीं, बाल बाल बच गया, अभी तो एक्सीडेंट हो जाता। पर मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं उसका सामना कैसे करूंगा। चलो रास्ता बदल लेते हैं क्योंकि मैं उसका सामना नहीं करना चाहता। यार वो तो वापस इधर आ गई, अब अचानक कार रास्ते में क्यों रुक गई। उसने तो मेरे को दिया साइड ट्रैक पर जाने के बाद उसने कार खराब कर दी थी। बस अब उसका सामना मेरे से दोबारा ना हो। ओ भाई साहब वो भूतिया ट्रेन तो वापस आ गई, पर बिना पटरियों के कैसे चल रही है। उसने तो कार में धमाका कर दिया, मेरे को निकलना होगा। अबे नहीं ना यार, मेरा सारा पैसा जल गया। इस कमीनी भूतिया ट्रेन ने कार के साथ पैसों को तबाह कर दिया, इससे पहले कि मेरे को भी तबाह कर दे मेरे को यहाँ से भागना होगा। पर आखिर समझ नहीं आ रहा वो मेरा पीछा क्यों कर रही है। देखो रेस्क्यू टीम आ गई, पर गाइस वो ट्रेन तो उसके ऊपर चढ़ रही है। ओहो, उसने तो उसको भी तबाह कर दिया। अब यार ये तो मेरी तरफ आ रही है, आखिर मैं करूँ क्या, मेरे को भागना होगा तभी उससे बच पाऊंगा। शायद मैंने खजाना लूट लिया इसीलिए वो पीछा कर रही है। क्यों ना पुलिस वाले की बाइक चुरा लूं। चल 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 भाग, नहीं तो वो पकड़ लेगा। आखिरकार काफी मेहनत के बाद मैंने पीछा छुड़वाई लिया, अब मैं आराम से घर जा सकता हूँ। चलो यहाँ से शॉर्टकट ले लेते हैं और ऊंचाई पर चलते हैं। धत तेरी की, ये तो वापस आ गया, अब तो समझो मैं मरा। आखिर इसे पीछा छुड़वाने के लिए मैं क्या करूं, कुछ तो करना ही होगा नहीं तो मारा जाऊंगा। क्यों ना इसके ऊपर चढ़ जाऊं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता वो इसके ऊपर आ पाएगा। देखो ऊंचाई आने वाली है, वो तो नीचे खड़ा है, मेरे को यहीं पर रुकना होगा जब तक कि वो यहाँ से चला ना जाए। ओके तो गाइस आप देख सकते हो वो यहाँ से जा रहा है, मेरे को भी निकलना होगा। पर गाइस वो कमीना तो देखो वापस आ गया, अब मैं करूँ क्या। बाल बाल बच गया, क्यों ना किसी की कार चुरा कर मैं यहाँ से फरार हो जाऊं। चल 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 बाहर निकल, अब मेरे को इस कार की जरूरत है। पर गाइस सभी लोग कार को अजीब क्यों चला रहे हैं। यार वो भूतिया ट्रेन शहर के अंदर भी आ गई, अच्छा हुआ मैं कूद गया नहीं तो कार के साथ मर जाता। पर अच्छा हुआ उसकी नजर मेरे पर नहीं पड़ी, नहीं तो मैं मारा जाता। यार वो तो वापस इधर ही आ रही है, पर शायद वो मेरे को नहीं मानना चाहती। चलो इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। यार ये तो हवा में उड़कर देखो पुल के ऊपर चली गई, इसके पास तो जादू ही शक्ति अभी है। और ये तो अपने जादू से देखो मेरे पर हमला कर रही। पर गाइस जो भी हो जाए मैं हार नहीं मानने वाला। यार उसने तो फूंक मार कर मेरे को नीचे गिरा दिया, शायद वो नहीं चाहती कि मैं उसका पीछा करूं। पर मैं उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, मैं उसको मार कर ही रहूंगा, चाहे उसकी वजह से मेरी जान जोखिम में ना चली जाए। शायद वो जंगल की तरफ गया होगा, मैं उसको मार कर ही रहूंगा। यार ये तो मेरा इंतजार कर रही थी, शायद मैं इसके जाल में फंस गया, मेरे को यहाँ से भागना होगा। पर गाइस आगे का रास्ता तो बंद है, मेरे को यहीं रुकना होगा, वो तो इधर ही आ रहा है। चलो जल्दी कूद कर भाग जाते हैं, पर मेरा पैराशूट तो खुला ही नहीं। Oh, no. यार वो खुद भी जंप कर देखो नीचे की तरफ कूद गया। और यहाँ पर तो ब्रिज भी है, शायद वो ट्रेन यहाँ से गुजर सकती है। क्यों ना मैं इसको उड़ा दूँ ताकि जब वो ट्रेन आएगी पुल के टूटने की वजह से तबाह हो जाएगी। गाइस वो तो इधर ही आ रही है, बस मेरा आइडिया काम कर जाए। ओ भाई साहब वो तो धमाके की वजह से शायद नीचे गिर गई, मेरे को वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। पुल तो तबाह हो गया, मैंने इसको तोड़ दिया और गिरने की वजह से वो ट्रेन भी मर गई। चलो वहाँ पर चलते हैं।
यार ये तो मरने के बाद भी मुस्कुरा रही है। अगर मैं ब्रिज को नहीं उड़ाता तो शायद वो कभी नहीं मरती। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।